तो गाइस अभी हमने एक गिटार फाइनल कर लिया यहाँ पे, और वो गिटार सामने ये रहा भाई बहुत। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी अपना ओम भाई रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जा रहा है। चलो चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। पढ़ाई करना ठीक है, चल। बाकी पापा यहाँ पे खिला रहे चुलबुल को, उसका खाना दही। पूरे घर में धुआं धुआं हो चुका है भाई, रोटी जला दी मम्मी ने सुबह सुबह। ओ भाई ये चुलबुल के लिए बना रही थी मैं, पूरा धुआं। मम्मी काली रोटी मत दिखा बेटा, खाली तेरे को भी काला कर देगी भैया। दादी नहा के आ चुकी है और मम्मी कर रही है दादी का मेकअप। ये देखो ये क्या हो गया यहाँ से, बाल निकल गए यहाँ से। अरे भाई सब खा गई, पापा की मम्मी है तो फिर वो पापा गंजे, पापा की मम्मी भी गंजी। अभी तो नहा के आ गया मस्त, और अपना नाश्ता भी रेडी है। नाश्ते में पोहा, और यहाँ पे दादी बैठ के खा रही है ओम के बर्थडे का केक। ये आ चुका है दादी का दूध। शुगर है इतना नहीं, खा दो लेकिन तो हां बैठ। पापा कह रहे हैं कि दादी को पूरा नहीं खाना है बिकॉज़ दादी को शुगर है, तो दादी कम कम खाओ पापा, इतना इतना रहने दो, ये इतना ही खाओ बस। हां और क्रीम मत खाओ, अंदर का खाओ। तो गाइस अभी बस निकल रहे घर से, और कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं वो अभी आप देखो। बाकी हमारे साथ हमारे हीरो द वन एंड ओनली मनीष सर। क्या गेटअप लेके आए हो यार, क्या गेटअप है सर, ऊपर से फुटबॉलर, नीचे से फौजी, पीछे से गिटारिस्ट। क्या है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। चलिए सर, सर वांट टू ड्राइव माय गुरखा। सारी बात छोड़, ये बताइए कौन सी टीम है। अच्छा मैं फुटबॉलर तो कह रहा है, कौन सी टीम का है? गलत, बार्सिलोना है सर, रियल मैड्रिड। अच्छा रियल मैड्रिड यार, सॉरी सॉरी। रियल मैड्रिड में कौन था सबसे पहले? कौन, रोनाल्डो? सबसे पहली टीम जिसमें इतने सालों तक रहा। तो गाइज ओम ने मेरे से सिर्फ एक चीज मांगी थी जो की था गिटार गिटार गिटार, और उसको दिया मैंने ये फुंतरू। दे दे फुंतरू, Happy birthday to you. सब मुंह पे केक मार रहे हैं, और एक खिलौने वाला गिटार देके मेरे को ठग दिया, धोखा दे दिया गया, असली नहीं है गाइस वो, और गिटार दे नहीं रहे, और एक के बाद एक मुंह पे केक पे केके मारते जा रहे हैं मेरे। ओ यार लेकिन एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से एक चीज मांगी है, और अगर बड़ा भाई इसको पूरा ना कर पाए तो वो बड़ा भाई किसी काम को नहीं। सर सही बोला मैंने, सही बात है ना, सही बात है। तो बस सर चले फिर, चले बताओ, चले जी चले। मैं कहता हूँ कर दे, कर दे, कर दे। तो सर ड्राइव कर रहे हैं गुरखा, ये देखो भाई भीड़ी भीड़। तो गाइस सामने स्टोर है, ये रहा फुसुक, नाम क्या इसका, फुसुक नाम है, फुसुक। हेलो सर कैसे हैं आप? तो गाइस अभी ओम के लिए हम ये ले रहे हैं, यूके ले ले सर, ले ले यूके ले ले। हाँ, एक ले तो लिया तूने, यूके ले ले नहीं तूने उकुलेले ले लिया। बाकी यहाँ पे एक से गिटार है, बट हम फाइनल कर रहे हैं कि कौन सा ले। यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार है, और यहाँ पे है अपने एकॉस्टिक गिटार। सर क्या करें बताओ, गाके बताओ या गाके, गाके गाके ले 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 अपने भाई के लिए, ले ले बेचारे के लिए, ले ले टकले के लिए, ले ले क्या ले ले, अरे यूके ले ले नहीं गिटार ले ले। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़का खुश हो जाएगा। डन डन डन, पता है अब ले ले यार फाइनली बेचारे। तो गाइस शॉपिंग का मूल मंत्र क्या है सर? भैया 10 जगह पहले चेक कर लो, सब जगह रेट ले लो, उसके बाद जाके ले लो यूके ले ले, ले लो यूके ले ले। तो ऑफ रोडिंग आ गई, ऑफ रोडिंग ये तो वो हो गई, छोटी गंगा बोल के यहाँ कुदा दिया, ऑफ रोडिंग हो गई भैया। चलो कवर मिल गया। कवर मिल गया, सलेलू। अरे यार कहीं गए हुए, यहाँ तक वैरायटी थी कितनी बढ़िया है यार। ओ भाई अभी कब तक आएंगे, फोन कर लो। तो गाइस अभी सर ने बात करी गिटार वाले भैया से, तो वो कह रहे कि 10 मिनट में आ रहे हैं, तो तब तक मैं पे बैठ के जूस पी रहे बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है। तो भैया जी जूस पीते यार, खतरनाक वाला शेक वगैरह पीते लगाना, बच्चे वाला किड्स वाला तीन तीन एक नहीं नहीं। सर 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 सर, दिस इज व्हाट यू कॉल चॉकलेट शेक। चलो भैया अभी जूस पी के आ गए, और अब लेते हैं अपना गिटार, देखते हैं कि कैसे गिटार है यहाँ पे। हेलो सर कैसे हैं आप, नमस्ते। ये भाई क्या गिटार है यहाँ पे तगड़े। तो ये है सर का गिटार, मस्त वाला, वाह 6 साल पुराना। छह साल हो गए सर उसको, कोई बता देगा बताओ।
मैं यहाँ से चिपका के पहले लेगा फिर। तो गाइज अभी हमने एक गिटार फाइनल कर लिया यहाँ पे और वो गिटार सामने ये रहा भाई, बहुत मशक्कत लगी ढूंढने में इसको। अभी रिवील मत कर, अभी मैं बाद में रिवील करूंगा उसको आगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अभी पिक्स भी ले लिए। कैप तो उसको भी कहाँ जरूरत पड़ेगी, अच्छा ले लेते हैं। तो गाइज अपना गिटार तो पैक हो चुका है अभी अपने बैग के अंदर और सामने सर के गिटार की स्ट्रिंग चेंज हो रही है। तो सर का गिटार जो अभी नंगा पंगा हो गया है देखो, कोई स्ट्रिंग नहीं है इसमें अभी। सर की अमानत है सर? सर की यार अमानत ही रखी पड़ी थी, अमानत वो एंटीक पीस बन गया था, अब यूज में आ गया, यूज हो रहा है उसका। सर सीख रहे हैं आजकल, वेरी गुड सर, इस एज में सीख रहे हैं आप सर, फिफ्टी प्लस एज में सीख रहे हो सर आप। 50 प्लस यार। तो भाई गिटार ले लिया अभी सर से और सर ने हमको काफी अच्छा डिस्काउंट दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब आते रहेंगे, दुकान अपनी हो गई है और बाकी गिटार के साथ साथ कुछ प्रैंक की तैयारी भी कर ली भाई। खतरनाक वाला गिटार तो देंगे लेकिन उससे पहले प्रैंक भी करेंगे भाई। वो देखो भाई सर को, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, कौन सा असली है कौन सा असली है सर और कौन सा नकली है। उठा उठा मजाक नहीं कर रहा, लिटरली बोल रहा हूँ कंटेंट इसके अंदर डाल, इसको पैक कर लो उसके अंदर। करूँ क्या? देख ले कोई देखे ना। क्या कर रहे हो सर ये? अरे मजा आ जाएगा, मैं बोलता रहा हूँ भाई, छपरी लौंडी के लिए छपरी कवर। दुनिया वालों देख लो, रास्ते का माल सस्ते में भाई। लोगों हमें देख रहे हैं ऐसे, कितने बड़े म्यूजिशियन जा रहा होगा तो साला यहाँ एक गिटार का बेसिक ढंग से नहीं आता। तीन तीन गिटार, चल मैं तो थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ और बताना। हमने वो देख रहे होंगे फुसक वाले कि हमने गिटार ले भी लिया, कहीं और से ले लिया हमने, इनको धोखा दे दिया। ये गया गाड़ी के अंदर एक गिटार, ये गया दूसरा। कितने बड़े म्यूजिशियन है हम, ए आर रहमान के बाद हम ही है सर। ये गया दूसरा और ये हमारा फेवरेट यूके ले ले, इसको डालेंगे हम। कहाँ डालेंगे, कौन सा ले ले? यूके ले ले, उत्तराखंड ले ले, कोई देख तो नहीं रहा ना भाई। क्या कर रहे हैं सर हम भाई? चेन तो लगा, चेन तो सही है, सही है इसकी? चेन खराब है सर भाई, चेन भी सही है, चेन सही है भाई। ओ भाई चेन सही है इसकी। सामने क्या कर रहे हैं? दुकान के सामने रस्ते का माल सस्ते में। हो गया हो गया हो गया। कहाँ डाल रहे हो सर? बाद में ब्लॉग देखेगा ना, कहेगा ये सब मनीष सर की करतूत है। सर कितना पैक करोगे? अबे भाई यार ये भी ले ले, ये पीछे आपके वोल्टास। देखो गाइस कौन कहेगा इसके अंदर रस्ते का माल है भाई, रस्ते का सड़ा हुआ माल। सर अब करने हैं पैकिंग फटाफट से। पैकिंग कहाँ होगी यार? पैकिंग पैकिंग पैकिंग, पीछे को जाना पड़े। हाँ ओम के स्कूल आने से पहले करने का। अभी जा रहे शॉप में, दुकान वाले भैया जी डर जाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम। हेलो सर जी, स्पेस नहीं है ना भैया मेरे पास, यहाँ पे पैकिंग नहीं हो पाएगी भैया। अरे तो आप ऐसा कहोगे तो बताओ किसके पास स्पेस नहीं है ना भैया, प्रॉब्लम ये है, स्पेस नहीं है यार। इतना स्ट्रगल करा, इतना स्ट्रगल करा, पूरी 5 से 6 दुकानों में गए हम, कहीं भी पैकिंग नहीं हो रही थी, इतना दिमाग खराब, धूप में पागल हो गए, बट फाइनली भी दुकान मिली पीछे एंड यहाँ पे पैकिंग हो जाएगी। सर चलो फटाफट से पैकिंग कराते, टाइम इज वेरी लेस, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। ये दो दो आ चुके हैं पैकिंग। मैडम अगर मैंने यही खड़े खड़े पैक कर दी सारी तो चैलेंज दे रहे हो? बस चैलेंज लो ना, ये बोलोगे मैं पैक करके दिखा दूंगी। खाना खाया? बिल्कुल नहीं, खिलाते आपको करो। तो गाइस ये देखो डांसिंग कैक्टस। हेलो आजी किदा, हेलो कैसे हो आप? तो भाई यहाँ पे अपना गिफ्ट पैक हो रहा है सामने, ये दो पैक कर रहे हैं सुंदर कन्या सामने। शर्मा रहे भाई। हेलो तो कर दो ब्लॉग में, हेलो कर दो। क्या मास्क पहन लिया आप? मास्क हटाओगे? नहीं हटाओगे मास्क? अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए अंकल इसमें इसमें गिटार है, इसमें कबाड़ है। ये ना थोड़ा प्रैंक कर रहे हैं कि पहले पहले इसको देंगे हम ये कि भाई कबाड़ देखेगा क्या ले आया भाई ये, फिर देंगे ये मेन चीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हमने पैकिंग कर दी यहाँ पे। तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से। ओके सर हेलो कर दीजिए। हेलो दिखाओ चेहरा, दिखाओ चेहरा अपना। आप नहीं आएगा वो पीछे। दिक्कत ये हो गई ना कि ओम घर पहुंच चुका है, पाप का कॉल आया कि ओम घर में आ चुका है अभी, तो अब ये करने की करे क्या यार, ओम घर पहुंच गया स्कूल से, बहुत टाइम लग गया भाई, पूरे 3-4 घंटे लग गए। अब देखते हैं कि क्या करना है।